मैंने जो सरकार बोलती है कि पत्ती मत जलाओ, उसको मैंने पत्ती को उसमें ऐसे ही मल्चिंग कराया पहले, उसके बाद ये पत्ती दब जाए, इसका खाद अच्छे से बन जाए, इसके ऊपर से मैंने पलटू। किसान भाइयों नमस्कार, आज हमें राहुल यादव के खेत में और ये अपने जॉन डियर 53-10 ट्रैक्टर से यहाँ पे पलटू हल चला रहे हैं, काफ़ी गहरी जुताई कर रहे हैं ये। तो राहुल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये खेती को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट किसान है, पानी लगाने का काम हो या खाद दवाई का काम हो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और लापरवाही इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो राहुल भाई एक बात बताइए, ये आज जो आप जो पलटू हल चला रहे हैं इसके क्या फ़ायदे हैं? ये एक तो मैंने जो सरकार बोलती है कि पत्ती मत जलाओ, उसको मैंने पत्ती को उसमें ऐसे मल्चिंग कराया पहले, उसके बाद ये पत्ती दब जाए, इसका खाद अच्छे से बन जाए, इसके ऊपर से मैंने पलटू लगाया है। तो ये जो आपकी तैयारी चल रही है गन्ने को लेके है क्या? गन्ने को लेकर तैयारी है मेरी, इसको पलटा लगाने के बाद इसमें इसको लेवल किया जाएगा, उसके बाद इसे सिंचाई की जाएगी, पलेवा बोलते हैं जिसको, पलेवा करके उसके बाद फिर इसकी जुताई करके गन्ना बोया जाएगा। मौसम साथ देता है तो लगभग 10 से 15 फरवरी से हम शायद गन्ना बोया। ये गन्ने का ही खेत था दरअसल, इसमें हमें पेड़ी रखनी थी तो इसमें पेड़ी इतना बढ़िया हो नहीं पाती थी, इसलिए हमने ये गन्ना जोत दिया था। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। तो लगभग आप कितनी गहरी जुताई हो रही होगी इससे? ये लगभग यहाँ तो थोड़ी सी जमीन आप हार्ड है, पट जमीन है, लेकिन आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो 1 से 1.5 फुट की नीचे ले रहा है, गहराई लेके आप जा रहे हैं। ठीक, हाइट वहाँ देख सकते हैं उसमें, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो ये आप खेत हमें दिखा रहे हैं इसमें पत्ती आपने बिल्कुल जलाई नहीं है, तो पत्ती अगर आपको दिखाई दे रही हो तो बताइए, इसमें पत्ती जोती है, ये मैं आपको कहीं दिखा दूँ थोड़ा सा। हाँ, ये अभी दिख रही है, मल्चिंग करके बिल्कुल इसको एकदम ये सब ये पूरा खाद बन जाएगा इसका, बिल्कुल एकदम कार्बन वगैरह सब नहीं। इस खेत में तो आपने बिल्कुल ना पूरी पीली निकाल दी है मिट्टी, बहुत बढ़िया आपने जुताई की है और हम उम्मीद करते हैं इसमें काफ़ी बढ़िया आपका गन्ना होगा। जैसे अब ये दो जो बॉटम वाला जो प्लाव आ रहे हैं तो आप उसको क्यों नहीं चला रहे? मुझे उससे ज़्यादा बेहतर लगा ये, उससे काम बहुत धीरे धीरे निकलता है और वो भी शायद इसी से थोड़ा बहुत नीचे जाता होगा, बाकी ये भी वही काम कर रहा है लेकिन काम ज़्यादा निकलता है इसमें, इससे तेल हमारा बचता है और खेत ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होता, ऊंचा नीचे भी नहीं करता खेत को। अगर आप ले कंप्यूटर मांजा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी काम हो जाएगा। तो राहुल भाई हमें एक अपने ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो, ये कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है आपका? ये 2012 मॉडल ट्रैक्टर है। अच्छा, 53-10। अच्छा, 55 HP। ठीक है, और 53 HP इसकी पेटी पावर है। तो ये लगभग 40 एकड़ जमीन की बुआई करते हैं और इनकी जो मुख्य फसलें हैं वो गन्ना मुख्य फसल है, उसके बाद धान और उसके बाद गेहूं का नंबर आता है। और ये गन्ने की फसल हो, धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, तीनों फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, कहीं पे कोई लापरवाही ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये ट्रैक्टर ऐसी बात नहीं है, चलता बहुत ज़्यादा है। और राहुल भाई एक बात बताओ, ये जो टायर हैं इसके, ये ट्रैक्टर के साथ के हैं या आपने बाद में? के टायर नहीं थे। अच्छा, असल इसमें दूसरा साइज था जो इससे बड़ा साइज था, जो 650-20 आता है। 650-20, ठीक है, हमने चेंज कराया है और पिछले भी साथ में चेंज कराए हैं, पिछले 16 साइज का पहले 16 था, ये 14 का करा, ये 14-28 का टायर है। ये आपने क्यों करवाया? थोड़ी हाइट ज़्यादा लगनी थी, तो हमने सोचा बैलेंस का लगेगा। अच्छा, ये टायर का मॉडल भी कुछ मुझे अलग सा लग रहा है इसका, हाफ एंड डेढ़ वो है, फुल गुड्डी है, हाफ फुल डेढ़ गुड्डी वाला जो टायर बोलते हैं, इसका फायदा क्या है? इसको मुझे थोड़ा सा लगा कि ट्रैक्टर स्लिप कम लेता है, ग्रिप अच्छी है, ग्रिप अच्छी है। और हमें एक चीज़ और बताओ आप इस ट्रैक्टर की, आप तो इसको काफ़ी यूज़ करते हो ट्रैक्टर को, इस ट्रैक्टर का कुछ लोग ये कहते हैं जॉन डियर डीजल बहुत ज़्यादा लेता है। देखिए मैं बताऊँगा, डीजल तो सभी ट्रैक्टर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉन डियर ज़्यादा डीजल लेता है, लेकिन ये उनके मुकाबले काम भी ज़्यादा निकालता है। आप इस चीज़ को गुणा भाग कर लें कि ट्रैक्टर अगर ये काम कर रहा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेगा, लेकिन काम और उसको ज़्यादा निकालेगा, ये पक्की बात है। मेंटेनेंस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जीरो, आप सर्विस कराओ और चलाए जाओ, टाइम पे सर्विस कराते रहो और बस, इसको कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ना कोई लीकेज है, ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने ये जो इस पर छाता लगवाया हुआ है जी, काफ़ी यूनिक लग रहा है मुझे ये। दरअसल ये हमारे मित्र संजय राठी की खोज है, भाई दोनों हम गए थे कहीं पे एक जगह, हमने देखा तो पहले संजय भाई ने बनवाया, उसके बाद फिर मैंने बनवाया, मुझे अच्छा लगा। और ये बम्पर भी काफी बढ़िया आपने बनवाया हुआ है, ये भी वहीं से ही बनवाया हुआ था,
अच्छा, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन लेकिन बहुत ही अच्छा है, ट्रैक्टर के लिए बहुत ही इफिशिएंट है, सेफ्टी है। अगर आपको आज एक ट्रैक्टर इसके साथ और दूसरा लेना पड़े तो मैं जोंडियर ही पसंद करूंगा, और वो भी 53-10 ही पसंद। आप जोंडियर पे जाओगे तो लीकेज को तो भूल जाओ। आपके ट्रैक्टर में अभी तक कोई समस्या इसमें आई? समस्या नहीं, कुछ नहीं कराया अभी तक, बस सर्विस करा रहे हैं, चला रहे हैं। और ये मैंने अपना अभी चेंज करा दिया है, बाकी 12 के बाद में एक बार मैंने बैटरी चेंज करा दी, दूसरी बैटरी है ये, कोई नहीं का मैं जोंडियर का प्रचार करना है। बाकी हमारे किसान भाई हैं ये ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उसी के ये जो इनके अनुभव हैं वो हमसे शेयर कर रहे हैं। मैं ट्रैक्टर से चला रहा हूँ, नजर आ रही है ये, अगर इसको खेत में चला रहे हैं हैरो पे या हम रोड पे चला रहे हैं तीसरे गियर में, मुझे इसकी थोड़ी सी स्पीड कम लगती है और ट्रैक्टरों की अपेक्षा। ये जैसे आप गन्ना डालने हम मील पर जाते हैं तो भी इसकी मतलब बहुत कम स्पीड है तीसरे, लेकिन अगर हम हैरो भी चलाते हैं तो भी इसकी मुझे बहुत कम लगती है तीसरे गियर में। आप तीसरे गियर में कंपनी अगर मेरी बात सुन रही हो तो मेरा सुझाव है कि तीसरे गियर की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें। वो खेत में भी बढ़ेगी और रोड पे भी बढ़ेगी, बाकी इस ट्रैक्टर में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी, और ज़्यादा काम इससे आप ले सकते हो। तो राहुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।